Hello students, this is the last topic of organizing unit and the last topic is importance of organizing. Organizing ki kya kya importance hai? We know this thing, organizing is the most important function of management. Organizing is the second function of management. Without organizing, other functions are meaningless. Yani bina organizing ke staffing, directing or controlling meaningless hote hain. Sabse pehla point hai बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. एक्सपर्ट का बेनिफिट मिलता है. कैसे? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? वर्क को डिवाइड करना. जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बनाने पड़ते हैं, डिविजनल मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं. तो किसका बेनिफिट मिलेगा? स्पेशलाइजेशन का. यानी हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन एक एक्सपर्ट हैंडल करता है. सो ऑर्गेनाइजिंग में स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है. किसका बेनिफिट होता है? स्पेशलाइजेशन. लेट्स रिपीट दिस पॉइंट. ऑर्गेनाइजिंग में काम को डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स में और हर डिपार्टमेंट का एक अलग मैनेजर होता है. फॉर एग्जांपल, काम को परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया. तो परचेज डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर, पर्सोनल डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर. ये मैनेजर्स अपने डिपार्टमेंटल वर्क में एक्सपर्ट होते हैं. सो देयर इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजिंग. सेकेंड पॉइंट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजिंग है उसमें वर्किंग रिलेशंस क्लियर होते हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. ऑर्गेनाइजिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर करती है, जैसे हु इज रिपोर्ट टू हुम, हु इज इंचार्ज ऑफ हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका इंचार्ज होगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसने किसको जाके रिपोर्ट करना है. सो ऑर्गेनाइजिंग में ये सारे वर्किंग रिलेशंस क्लियर होते हैं कि एम्प्लॉयज में क्या रिलेशन है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल रिलेशन है, कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, कौन किसको अकाउंटेबल ठहराएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास अथॉरिटी है. ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग क्लियर करता है. तो ऑर्गेनाइजिंग क्लियर द वर्किंग रिलेशनशिप कि दिस इज द बॉस एंड दिस इज द सबॉर्डिनेट. इस बॉस को इस सबॉर्डिनेट ने जाके क्या करना है? रिपोर्ट करना है. थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का बेस्ट यूज ऑर्गेनाइजिंग से होता है. कैसे होता है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 M's हम कह सकते हैं रिसोर्सेज होते हैं. मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड्स एंड मार्केट. इन सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज ऑर्गेनाइजिंग से होता है. इन सारे रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूज करते हैं. कैसे? ऑर्गेनाइजिंग से. ऑर्गेनाइजिंग में दो तरह के स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे, फंक्शनल और डिविजनल. फंक्शनल और डिविजनल में क्या था? काम को डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में, और इन डिपार्टमेंट्स के, इन डिविजन्स के मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं. ये मैनेजर्स रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देते. ये मैनेजर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि रिसोर्सेज का क्या करते हैं? बेस्ट यूज करते हैं. कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देते. ये जितने भी मैनेजर्स होते हैं इतने एक्सपर्ट होते हैं, ये ना तो काम को डबल होने देते हैं, ना किसी काम को लेफ्ट आउट रहने देते हैं. काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो. सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग से काम इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो, रिसोर्सेज खाली ना रहें, रिसोर्सेज का डबल यूज ना हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट अच्छी बनती है. कैसे? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? काम को डिवाइड करना. जब हमने काम को डिवाइड कर दिया तो मैनेजर्स का वर्कलोड क्या हो गया? कम.
जब मैनेजर्स का वर्कलोड कम होगा तो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि मैनेजर का वर्कलोड कम होता है ऑर्गेनाइजिंग में. जब मैनेजर का वर्कलोड कम होगा तो मैनेजर अपना जो ध्यान है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, मैनेजर्स का वर्कलोड कम होगा, मैनेजर्स अपने दिमाग का प्रॉपर यूज करेंगे. सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी पर्सनल एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है. जब हम काम को डिवाइड करेंगे तो एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, अथॉरिटीज मिलेंगी. जब एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी यानी पावर मिलती है तो वो मोटिवेट होते हैं. और जब कोई एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, वो उस काम को 100% तरीके से करता है. तो यानी किसकी डेवलपमेंट होती है? एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है. काम को डिवाइड करेंगे तो एम्प्लॉयज को पावर्स दी जाएंगी, एम्प्लॉयज को काम दिया जाएगा. पावर्स देने से एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. ओके, और कहने का मतलब है एम्प्लॉयज की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी. एम्प्लॉयज डिसीजंस लेंगे तो उनमें इनिशिएटिव पावर बढ़ेगी. इनिशिएटिव का मतलब पहल क्षमता. इसका मीनिंग होता है वो डिसीजंस लेने में या देने में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अब ऑर्गेनाइजिंग में काम को डिवाइड किया जा रहा है तो मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो रहा है, मैनेजर्स की डेवलपमेंट हो रही है, एम्प्लॉयज की भी डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि उन्हें काम सीखने को मिल रहा है, उन्हें पावर्स मिल रही हैं. तो एक कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं. जब दोनों की डेवलपमेंट हो रही है तो अपने आप ऑटोमेटिकली कंपनी की भी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है. तो ऑर्गेनाइजिंग से एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के साथ कंपनी की भी डेवलपमेंट होती है. जो एम्प्लॉयज होते हैं वो न्यू चैलेंज को लेने के लिए रेडी रहते हैं. अब न्यू चैलेंज को लेने के लिए अगर एम्प्लॉयज रेडी रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और काम जहां पे प्रॉपर डिवाइड होता है उन ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बढ़ती है. देखिए, अब एक ऐसा कंपनी है जहां पे काम प्रॉपर डिवाइडेड है, हर एम्प्लॉय को पता है किसने क्या करना है, कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल है, तो इस तरह की बिजनेस की गुडविल हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी. हर पर्सन इस कंपनी में काम करना चाहेगा. नेक्स्ट है अडॉप्टेशन टू चेंज. चेंज लाना इजी है. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिविजन्स बनाए जाते हैं. इन डिपार्टमेंट्स के और डिविजन्स के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं. ये मैनेजर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जल्दी से चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं. ये मैनेजर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक नई मशीन ने आना है, एक नई टेक्नोलॉजी ने आना है, एक नए प्लांट ने आना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर हैंडल करता है. और ये मैनेजर इतना एक्सपर्ट होता है कि जल्दी से अपने एम्प्लॉयज को इस टेक्नोलॉजी के लिए अडॉप्ट कर लेता है, इस टेक्नोलॉजी के फेवर में ले आता है, इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स बताता है कि क्यों ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है. सो ऑर्गेनाइजिंग से चेंजेस को अडॉप्ट करना भी बहुत ही आसान है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि मैनेजमेंट इफेक्टिव होती है, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है, बिजनेस की ग्रोथ होती है, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना आसान है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है, वर्किंग रिलेशंस क्लियर बनते हैं, और रिसोर्सेज का क्या होता है? ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूज. बिना ऑर्गेनाइजिंग के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर काम डिवाइडेड ही नहीं है तो काम डबल होगा, काम डबल होगा तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. और यहां पे खत्म होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग यूनिट. ओके, थैंक यू.